बेस्ट फीचर्स इन लीस्ट प्राइस, इसी कॉन्सेप्ट को लेके ओप्पो बढ़ रहा है आगे। और यहाँ पर स्मार्टफोन की भरी महफिल में ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है अपना नया प्रीमियम मोबाइल जिसका नाम है ओप्पो F9 Pro। तो आज इसी फोन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसा है ये फोन, क्या है इसके कुछ फीचर्स, कब तक ये लॉन्च होगा और क्या होने वाली है इसकी प्राइसिंग। दोस्तों, जहाँ पर सभी कंपनीज लगी हैं अपने फोन्स को और भी बेहतर से बेहतर बनाने में और नई टेक्नोलॉजी या फिर नए कॉन्सेप्ट यूज करने में, वहाँ पर ओप्पो ने भी कहा हम भी नहीं रहेंगे पीछे और यहीं पर नए कॉन्सेप्ट के साथ अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, बेसिकली इसका नया कॉन्सेप्ट यह है कि इसमें होगा एक नॉच, लेकिन वो ट्रेडिशनल आईफोन एक्स वाला नहीं, इसमें है एक वाटर ड्रॉपलेट शेप वाला नॉच, जिससे कि ये फोन लगता है और भी यूनिक और कूल। दोस्तों, बाकी कंपनीज की तरह ओप्पो भी लॉन्च करने लग गया है इकोनॉमिकल फोन्स जिसके प्राइसिंग होती है काफ़ी कम और फीचर्स उसमें अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी अब पता चल चुका है दुनिया हरी भरी करने से कुछ खास फायदा उन्हें होना नहीं है। तो मुझे लगता है इसी सोच के साथ ओप्पो ने लॉन्च कर दिया है F9 Pro, जिसमें फीचर्स आपको बढ़िया मिल जाएंगे लेकिन प्राइसिंग भी इसकी अच्छी है। एक और एग्जांपल है, कुछ 2-3 महीने पहले ओप्पो ने Realme 1 लॉन्च किया था जो सिर्फ 9000 में वो फीचर्स दे रहा है जो आज तक भी 15000 के फोन देते हैं। तो ये 9000 का फोन 15000 के फोन को टक्कर आज भी दे रहा है। बाकी फोन तो ठीक है, पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओप्पो F9 Pro के बारे में। तो शुरू करते हैं कैमरा के साथ। तो इसमें आपको वही ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल जाता है 16+2 मेगापिक्सल वाला, जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, उसका अपर्चर है F1.8 का, और जो सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल वाला, उसका अपर्चर है F2.4 का। सामने की तरफ जो नॉच है उसमें आपको छुपा मिल जाएगा एक 25 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर, जिसमें यूज हुआ है वाइड एंगल लेंस ताकि आप ग्रुप सेल्फीज अच्छे से ले पाए और डेप्थ सेंसिंग भी इसमें अच्छे से हो जाती है। तो ये देख लो, स्क्रीन पर कुछ सैंपल्स हैं ओप्पो F9 Pro के कैमरा से जो शॉट हो चुकी है पिक्चर्स। काफ़ी अच्छे से इन्होंने बैकग्राउंड ब्लर करा है, तो इसका मतलब इसका पोर्ट्रेट मोड तो काफ़ी शानदार है, कुछ कुछ कंपेरेबल है ये DSLR से। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम और परफॉर्मेंस की, तो ये रन करेगा एंड्रॉयड 8.1 ओरियो पे, जो कि लेटेस्ट है, और जो इसमें UI आपको मिल जाएगा वही ओप्पो का ट्रेडिशनल कलर OS 5.2 अपग्रेडेड वर्जन। अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाएगा 12 नैनोमीटर बेस्ड मीडियाटेक हीलियो P60, जो कि बड़ा ही तगड़ा प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है आपके फ़ोन को। और भैया, इसको ड्राइव करता है एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर जिसमें है 8 कोर्स, जिसमें से 4 कोर्स क्लॉक्ड है 2.0 GHz कॉर्टेक्स A73 पे और बाकी के 4 कोर्स क्लॉक्ड है 2.0 GHz कॉर्टेक्स A53 पे। तो भैया, इस प्रोसेसर के चलते सारी मल्टीटास्किंग और प्रोसेसिंग हो जाने वाली है बड़ी तेज़ी से। और भैया, सोने पे सुहागा वाली बात तो ये है कि जो इन्होंने GPU इसमें डाला है वो है Mali G72 MP3, जो कि बड़ा ही तगड़ा GPU है, जिससे कि आपको गेमिंग में मिलने वाली है बहुत ज़्यादा मदद। आप बड़े से बड़े हैवी से हैवी गेम खेल लो, ये बिल्कुल भी लैग नहीं होगा। तो भैया, इस CPU और GPU के चलते आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसकी परफॉर्मेंस में। मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल मक्खन की तरह होगी, गेमिंग आप कर लो, हैवी से हैवी गेम खेल लो, PUBG खेल लो या Asphalt 9, बिल्कुल भी लैग इसमें देखने को नहीं मिलेगा, 6GB वाले वर्जन में तो बिल्कुल भी नहीं। एक मज़े की बात बताता हूँ, जो प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ है मीडियाटेक हीलियो P60, वही सेम प्रोसेसर Realme 1 में भी यूज़ हुआ है, और Realme 1 तो सिर्फ 9000 का है, और इसकी प्राइसिंग है वो तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन Realme 1 के 400,000 यूनिट बिक चुके हैं अभी तक, और सेम प्रोसेसर F9 Pro में भी है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है Realme 1 में इन्होंने गलती से डाल दिया। 400,000 बार गलती कौन करता है भाई। F9 Pro का प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी एंड तक। अब अगर डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें आपको मिल जाएगा 6.3 इंचेस का एक फुल HD प्लस पैनल, जिसमें आपको एक नॉच मिल जाती है छोटी सी और बड़ी क्यूट सी, जिससे दिखने में फ़ोन काफ़ी प्रीमियम तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है और यूनिक लगता है। स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा वियर्ड सा है 19:5:9 का, तो मतलब ये फ़ोन लंबाई में ज़्यादा होगा और चौड़ाई में कम, और पिक्सल डेंसिटी है इसकी 409 पिक्सल पर इंच की। स्पेशल फीचर की बात करें, तो इसमें एक बड़ा ही यूनिक सा और एक मज़ेदार सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जो इसमें बैटरी है 3500 mAh की, उसे चार्ज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ हुई है वो है वूक चार्जिंग। ये एक तरह की फास्ट चार्जिंग ही है, पर जो ये क्वालकॉम का फास्ट चार्ज 4.0 3.0 है, इससे ये बिल्कुल ही अलग है। ओप्पो क्लेम करता है कि F9 Pro को सिर्फ 5 मिनट चार्ज करके आप ले पाएंगे 2 घंटे का टॉक टाइम। एक और चीज़ ओप्पो क्लेम करता है कि यहाँ पर आप लगाइए फ़ोन को सिर्फ आधे घंटे के लिए चार्ज में और ये हो जाएगा 75% चार्ज, और 1 घंटे से भी कम टाइम में ये फुल चार्ज हो जाएगा।
तो ये आपकी लाइफ थोड़ी सी क्या पता इजी बना दे। वूक चार्जिंग भी उसमें यूज़ हुई है, एक बड़ी ही मज़ेदार सी टेक्नोलॉजी है, पर इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, थोड़ी सी आपको नॉलेज मिल जाएगी। जितनी नॉलेज मिले बटोरते रहो, नॉलेज का क्या है, नॉलेज तो काम ही आनी है। तो भैया यही था ओप्पो एफ 9 प्रो का पूरा डिस्क्रिप्शन, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इस फ़ोन को ज़रूर ले सकते हैं। इसकी प्राइसिंग मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में ये फ़ोन आएगा 24,000 रुपये का, यानी कि 23,990। फ्लिपकार्ट पे आप इसको अभी से प्री ऑर्डर कर सकते हैं। यार ग्लोबली तो ये फ़ोन लॉन्च हो चुका है 21 अगस्त को, पर इंडिया में आएगा 31 अगस्त को, ग्लोबल लॉन्च के 10 दिन बाद। मेरी तरफ से जो फीचर्स ये ओप्पो एफ 9 प्रो दे रहा है वो प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो वो नया फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो ज़रूर से इस फ़ोन को प्रेफर कर सकते हैं।